तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रुबेल, आप देख रहे हैं टेक्निकल टी यार। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ यूनिक सा सेटिंग बताऊंगा जो आपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हो। तो गाइस, नॉर्मली हम सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे बिठाते हैं। तो जब भी आप चार्जिंग पे बिठाओगे, तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन आपका नाम बोल के बोलेगा कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे बिठा दिया गया है, जब भी खुलोगे तो आपका नाम बोल के बोलेगा कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से खुला गया है। तो इसी तरह से ये सेटिंग अपने मोबाइल फ़ोन पे करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो गाइस, मेरा नाम है रुबेल, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे जब भी चार्जिंग पे बिठाऊंगा तो मेरा मोबाइल फ़ोन ये बोलेगा कि रुबेल भाई, आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे बिठा दिया गया है। जब भी खोलूँगा तो बोलेगा, बैटरी फुल होगा तो बोलेगा, लो होगा तो बोलेगा। तो इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हो। तो उसके लिए छोटा सा सेटिंग करना है, तो ये आप इस वीडियो को देख के इजीली सीख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये सेटिंग आपको करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली उस पर लिखना है बैटरी लाइफ अलर्ट। तो सिंपली आपको ये लिख लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो गाइज, उसके बाद देख सकते हो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ चुका है। तो ध्यान से इस एप्लीकेशन की लोगो देख लीजिए, उसके बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे छोड़ दिया उसको, तो ये डाउनलोड हो रहा है मेरा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, तो अभी बैक आ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा ये एप्लीकेशन, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसका कुछ बेसिक सेटिंग है वो करना पड़ेगा आपको, तो चलिए देख लेते। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो इसको आपको अलाउ कर देना है, जहाँ पे एप्लीकेशन है उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद बैक आने के बाद नीचे देख सकते हो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली ये जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो चार ऑप्शन खुल के आ चुका है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो चार ऑप्शन एनेबल है, तो इन्हीं चार ऑप्शन पे क्या ऐसी काम है। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर आप जब भी मोबाइल चार्जिंग पे बिठाओगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपका मोबाइल चार्जिंग पे बिठा दिया गया है, तो ये ऊपर वाला का काम है। और नीचे वाला जब भी आप चार्जिंग से खोलोगे तो बोलेगा आपके मोबाइल चार्जिंग से खुल गया है, तो ये नीचे वाला का सेटिंग है। उसके बाद बैटरी फुल होगा तो बोलेगा, उसके बाद बैटरी लो होगा तो बोलेगा, तो ये प्रकार का सेटिंग है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हो एक खाला वाला डॉट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हो कि आपका मोबाइल फ़ोन जब भी आप चार्जिंग पे बिठाओगे तो क्या नाम बोल के बोलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो कुछ भी लिखना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो कुछ भी लिखोगे वही नाम बोल के आपका मोबाइल फ़ोन बोलेगा जब भी आप मोबाइल चार्जिंग पे बिठाओगे। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रुबेल भाई, आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे बिठा दिया गया है। तो अगर ये आप लिख लोगे यहाँ पे, तो जब भी आप मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे बिठाओगे तो ये नाम बोल के आपका मोबाइल फ़ोन बोलेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे ग्रीन मार्क आ चुका है। तो बाकी तीन है उसको भी सेटिंग कर लेता हूँ। तो चलिए दूसरा वाला सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो दूसरा वाला का काम क्या है कि जब भी आप मोबाइल चार्जिंग से खोलोगे तो क्या बोलवाना चाहते हो आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे वही बोल के आपका मोबाइल फ़ोन बोलेगा जब भी आप चार्जिंग से खोलोगे। तो मैं मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रुबेल भाई, आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से खुला गया है, तो यही बोलेगा जब भी आप मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से खोलोगे। तो गाइज, ये हो गया हमारा दूसरा सेटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन मार्क आ चुका है। तो अभी हमारा दो सेटिंग बाकी है, फुल चार्ज होगा तो क्या बोलेगा, तो आइए वो भी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि रुबेल भाई, आपका मोबाइल फ़ोन फुल चार्ज हो चुका है। तो अगर आप चाहो जो कुछ भी आप अपना पसंद की जो कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे वही बोलेगा जब भी आपका मोबाइल फ़ोन फुल चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि रुबेल भाई, आपका मोबाइल फ़ोन फुल चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख के सेटिंग कर चुका हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन मार्क आ चुका है। तो अभी जब भी बैटरी लो होगा तो क्या बोलेगा, तो वो भी सेटिंग कर लेते। तो चलिए उसको भी ओपन कर लेते। उसको ओपन करने के बाद फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम प्रोसेसिंग, आप वहाँ पे भी यह लिख सकते हो कि रुबेल भाई, आपका मोबाइल फ़ोन की बैटरी लो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख लिया, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो आप चाहे जो कुछ भी लिखना चाहते हो वही बोलेगा जब भी आपकी बैटरी लो होगा।
तो मैं ये इसको भी सेव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा चारों ऑप्शन ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब चारों सेटिंग मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी भी एक सेटिंग बाकी है, तो वो क्या है, तो वो ये है गाइस। तो सबसे नीचे देख सकते हो एक बटन सा आ रहा है, उस पर अगर क्लिक करके ये रेड आएगा तो गाइस आपका ये काम नहीं करेगा। ये ध्यान देना है आपको, ये हमेशा ग्रीन होना चाहिए, तब भी जाके आपके मोबाइल फ़ोन पे काम करेगा। तो गाइस ये है उस ऐप का सेटिंग और कुछ नहीं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन भी आएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस ये जो सेटिंग कर चुका हूँ, अभी जब भी मैं मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर बिठाऊँगा तो बोलेगा, खोलूँगा तो बोलेगा, बैटरी फुल होगा तो बोलेगा, लो होगा तो बोलेगा, तो यही काम करेगा ये ऐप। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।